कैसे आईपीएल के टीमों के कप्तान, सुनाओ तुम्हारी टीम कहां कहां पहुंची, किसका चांस है और वैसे किस में है दम जो इस बार टाइटल लेके जाएगा, जरा बताओ ना। बाबर भैया और कौन लेके जाएगा पांडे के अलावा, है किसी में दम? खामखा ये खेल रहे हैं भैया, 2 महीने का टाइम जाया कर रहे हैं, पहले ही हमको कप दे देना चाहिए था। हाँ पांड्या ये बात भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैच ना होते तो आईपीएल का खर्चा कहां से निकलता, फिर तो घाटा हो जाता, आपको इनाम कहां से मिलता। बाबर भैया तुम भी पांडे की बातों में आ गई है, पांडे इस बार नहीं जीतेगा, इस बार महेंद्र सिंह धोनी जाते जाते आईपीएल का टाइटल अपने नाम बल के साथ लेके जाएगा। धोनी भाई जी काय को गुस्सा कर रहे हैं, पांडे ने इसे बोला, हमने उसका दिल रखने के लिए बोल दिया, आखिरकार पिछली बार उसने टाइटल जीता था, पहली बार आया था, इस बार भी शायद जीत ले। बस करो बाबर भैया, इस बार आईपीएल का टाइटल हम ही जीतेंगे, पिछली बार भी हमारा ससुर सुनील शेट्टी हम पर बहुत नाराज हुआ, वो तो बड़ी मुश्किल से उसने हमारा शादी करवा दिया और उसने बोला इस बार टाइटल जीत के लाना, हम ही जीतेंगे, ये सब देखते रह जाएंगे। अबे चुप कर राहुल के बच्चे, तुम्हारे बस का बात नहीं है, पांडे से हम बदला लेंगे अगर फाइनल में आ गया, पिछली बार ससुर का नाती हमसे फाइनल जीता था, इस बार हम बता रहे हैं, सब कान खोल कर सुन लो, जो भी हमारे सामने फाइनल में आया ना उसको इसे ठोकेंगे, नानी की नानी याद करवाएंगे। अबे चुप करो ससुरी वालों, इस बार कोलकाता जीतेगा, ये नीतीश रैना का टीम है, किसी में दम जो है ना। और कोहली भाई तुम क्या लेने आए, तुम्हारा टीम तो 6 नंबर पर, और डीपू टीम का कप्तान तू फोकट में आ गया, डीपू को भेज जा, रहने दे वो भी क्या करेगा। अबे चुप कर नीतीश रैना के बच्चे, हमारी मर्जी हम आए, वैसे भी ये डीपू को तुम्हारी भाषा समझ नहीं आनी थी, हम आए अच्छे से जवाब देंगे, तुम रहे 5वें नंबर पर, हम 6वें नंबर पर, आज का मैच ठोकेंगे, हम सीधा जाएंगे 3रे नंबर पर, लखनऊ को भी पीछे छोड़ देंगे, समझ जाओ। हाँ कोहली भाई तुम सही कह रहे हो, तुमने अभी 10 मैच खेले, आज का जीतोगे ना मुंबई से तो भैया 3 नंबर पर आ जाओगे, आपका बड़ा चांस है, कुछ शर्म हया कर लेना, पहली बार आपकी टीम टाइटल जीत जाएगी अगर बढ़िया करोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता आपसे कुछ नहीं होने वाला। छोड़ो यार बाबर भैया, ये कोहली आज हार जाएगा मुंबई से, और 3रे नंबर पर आने का ख्वाब इसका चकनाचूर हो जाएगा, और तो और हारने के बाद ये प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंचेगा, ससुर का नाती मुंह लटका के बाहर जाएगा डीपू को लेके। अबे चुप कर राहुल के बच्चे, बाबर भैया तुम भी टेंशन मत लो, राहुल आज हम जीतेंगे, हम जाएंगे आगे, तुम्हारा पत्ता काटेंगे, तुमको प्ले ऑफ में भी नहीं जाने देंगे, बहुत फोकट में टें टें कर रहे, अब चुप करके निकल लो, आपके बस की बात नहीं आगे जाना। अबे चुप करो तुम सब, हमने पहले बोला है हमारा आखिरी टूर्नामेंट है, हम ही जीतेंगे, तुम फोकट में टें टें कर रहे हो, भैया आप चुपचाप निकलो और अपने बचे हुए मैच खेलो, क्योंकि फाइनल हम ही जीतेंगे। धोनी भाई साहब लगता है आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आ जाना इस बार तुम फाइनल में आ जाना, पिछली बार ये राजस्थान संजू सैमसन आया था, इससे पूछ लो, लेकिन तुम नहीं मानोगे, तुम आना फाइनल में, हम ही तुमको ठोकेंगे, क्योंकि कप हम ही जीतेंगे लगातार दूसरी बार। अबे यार बस करो, खामखा अभी से लड़ रहे हो, अभी बहुत कुछ आईपीएल में बाकी है, पता नहीं कौन प्ले ऑफ में जाएगा कौन नहीं जाएगा, तुम फोकट में पहले ही लड़ रहे हो भैया, अब चुप करो। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।